फिर से वीडियो में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ्रेंड आप अपने मोबाइल को अपडेट कैसे करेंगे। फ्रेंड क्या होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल लेते हैं तो आप अपने मोबाइल को चलाते होंगे तो आपको मोबाइल स्लो चलता है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम आता है आपका मोबाइल चलाने में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मोबाइल को अपडेट करना है। अगर आप अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल में बहुत स्लो चलेगा, आपका मोबाइल जल्दी हीट हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आने वाला है। लेकिन अपने मोबाइल को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, कैसे आपको पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल अपडेट मांग रहा है और आपको अपडेट करना चाहिए। अगर आप अच्छे तरह से अपडेट कर देते हैं यहां से अपने मोबाइल को, तो आपको मोबाइल बिल्कुल नया जैसा चलेगा, बिल्कुल फास्ट चलेगा। तो क्या सबसे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो मोबाइल में अपडेट मांगेगा तो देखिए यहां पर आपको सेटिंग मिलेगा और सेटिंग के ऊपर में आपको एक जैसा लिखा होगा रेड में और यहां पर आपको एक टिक का ऑप्शन आता है, ठीक है, वन लिखा रहेगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो समझिए कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका मोबाइल है, अपडेट मांग रहा है। ठीक है, तो अपने मोबाइल को अपडेट कैसे करेंगे, अगर ये भी आपको नहीं आ रहा तो आप भी अपडेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल के सेटिंग पर क्लिक करेंगे, जब भी अपने मोबाइल के सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल में, यानी कि जब भी नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मोबाइल में सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सिस्टम अपडेट का नहीं आ रहा है, सिस्टम अपडेट आपको मोबाइल के सेटिंग में मिलेगा, नहीं तो आपको वर्जन में लिखा होगा, तो यहां पर आपको क्या होगा, इस सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको लोडिंग लेगा और देख सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं कि आपको कितना MB लगेगा अपडेट करने में। देख सकते हैं यहां पर लिखा है अपडेट वर्जन वीवो। सो यहां पर आपको क्या करना, यहां से जब भी मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा तो ये अपडेट होने लगेगा और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं अभी अपडेट नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं किस तरह के आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो इस तरह के आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो जब भी अपने मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, स्लो चल रहा है, आपका मोबाइल जल्दी गर्म हो रहा है, तो अपने मोबाइल को जल्द से जल्द आपको अपने मोबाइल को यहां पर अपडेट करना होगा। ठीक है, जब भी आप अपडेट मांगेगा तो देखिए इस तरह से सिस्टम अपडेट लिखा होगा या तो यहां से अपडेट वर्जन लिखा होगा और यहां पर आपको अपडेट कर लेना है। जब भी अपने मोबाइल के सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर आपको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि जब भी आप मोबाइल लेते हैं तो आपको मोबाइल में बहुत ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और आपका मोबाइल स्लो चलता है। तो वैसे में आप अपने मोबाइल का जो सिस्टम है, जो आपका मोबाइल है, सभी मोबाइल की जो सेटिंग होता है, तो आपको मोबाइल को अपडेट करना चाहिए। जब भी आप मोबाइल को अपडेट करेंगे तभी आपका मोबाइल अच्छा चलेगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।